वेलकम टू द चैनल बुक से सीखें। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज जो मैं बुक लेके आया हूँ ब्रेकफास्ट विद सोक्रेट्स, सो इसकी मैं आपको हिंदी में समरी सुनाऊंगा और इसके हर अनछुए पहलू को छूऊंगा सो दैट आप इससे बहुत कुछ सीख सकें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। बस शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जिस लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल दोस्तों, क्योंकि ये आप ही के लिए है और मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव बुक की समरी लाता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट विद सोक्रेट्स। बुक समरी में उन सभी फिलोसफर के बारे में बताया गया है जिन्होंने जिंदगी और उससे जुड़ी चीज़ों को समझने के नए और आसान तरीकों खोजा है। इस बुक समरी में आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े छोटे और बड़े सवालों के जवाब पा सकेंगे। लेखक के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, रॉबर्ट लॉरेंट स्मिथ एक ब्रिटिश लेखक और फिलोसफी हैं। एक फिलोसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स और आर्ट पर स्पीच देते हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध किताबों के नाम हैं डेरिडा एंड ऑटोबायोग्राफी एंड ऑटो बायो फिलोसफी। स्मिथ एक लेखक के अलावा एक व्यापार सलाहकार भी हैं। फिलोसफी का मतलब होता है समझदारी से प्यार। इससे पहले हम फिलोसफी पढ़ें हमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र क्या है। फिलोसफी, इसको सही इंग्लिश में वर्ड ये हम कहेंगे, फिलोसफी शब्द का जन्म ग्रीक शब्द फिलोसोकी से हुआ है जिसका मतलब है समझदारी से प्यार करना। इसके नाम से ही साफ है कि हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में जो भी काम समझदारी से करते हैं वो फिलोसफी है। अब चाहे ये समझदारी हम बाज़ार में मोल भाव करते समय दिखाएं या फिर कोई बड़ा काम करते वक्त, समझदारी और चालाकी में बहुत अंतर होता है। अगर आप किसी से बहस करके उसे बहस में हरा देते हैं तो आप चालाक हैं, लेकिन अगर आप उससे बहस करते ही नहीं हैं तो आप समझदार हैं। फिलॉसफी हमें समझदारी सिखाती है, चालाकी नहीं। फिलॉसफी का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ों के बारे में छोटे बड़े सवाल करें। इन सवालों में से कुछ जवाब, कुछ सवाल इस तरह के हो सकते हैं, मुझे बाज़ार में कितने पैसे खर्च करने चाहिए, मुझे अपनी सेहत बनाए रखने के लिए कितना खाना खाना चाहिए। फिलॉसफी सिर्फ छोटे छोटे सवालों के बारे में ही नहीं बल्कि इसका नाम बड़े बड़े सवालों से भी है। बड़े बड़े सवाल कुछ इस तरह के हो सकते हैं, इस दुनिया को किसने और क्यों बनाया, अगर इस दुनिया को भगवान ने बनाया है तो भगवान को किसने बनाया। तो इन सभी बातों से एक बात साफ है कि फिलॉसफी का मतलब है अपनी ज़िंदगी से जुड़े छोटे बड़े सवाल पूछना। इन सवालों से आप अपनी ज़िंदगी के फैसले को अच्छे से ले सकते हैं। इसे ही समझदारी कहते हैं और समझदारी ही फिलॉसफी है। आपका कुछ भी सोचना आपके होने का सबूत है। क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास की चीज़ें सिर्फ एक भ्रम है? क्या आप सच और सपने में अंतर जानना चाहते हैं? इस सबक में हम डीक्रेट्स की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। डेकार्त के एक फ्रांसीसी फिलोसफी थे जिन्होंने इस बात का जवाब दिया, क्या हमारा कोई अस्तित्व तो है या फिर हमें सिर्फ लगता है कि हम हैं? हम कैसे जान पाएंगे कि हम सपना देख रहे हैं या फिर जाग रहे हैं? डेकार्त ने इस बात को समझने के लिए अपने आसपास की सभी चीज़ों पर शक करना शुरू कर दिया। डेकार्त को सिर्फ एक ही चीज़ पर पूरा विश्वास था कि वो शक कर रहे थे। अपने शक करने पर शक ना करके उन्होंने हर चीज़ पर शक किया। डेकार्त ने बताया कि अगर वे शक कर रहे हैं तो वे सोच रहे हैं, अगर वे सोच रहे हैं मतलब उनका अस्तित्व है। उनके हिसाब से आपका सोचना ही आपके होने का सबूत है। डेकार्त ने एक प्रसिद्ध पंक्ति दी, कोगितो एर्गो सम, इसका मतलब है मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इसका मतलब है कि अगर आप सोचते हैं कि आप मर चुके हैं या फिर आप सपना देख रहे हैं, या अगर आप सोचते हैं कि आपके आसपास की चीज़ें सिर्फ एक वहम है, तो भी आपका अस्तित्व, क्योंकि आप अपने व्यवहार को अच्छे से समझने के लिए हमें ईगो और सुपर ईगो के बारे में जानना होगा। क्या आप कभी कभी कुछ ऐसे काम करते हैं जिन्हें करने का आपका मन नहीं करता? हम सभी ने ऐसे काम जरूर किए हैं, लेकिन मन न करने पर भी हम ऐसे काम क्यों करते हैं? इसका जवाब है सुपर ईगो की ईगो पर जीत की वजह से। 20वीं शताब्दी में सिगमंड फ्राइड नाम के एक न्यूरोलॉजिस्ट ने दिमाग को समझने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि हमारे अंदर ईगो और सुपर ईगो नाम की दो चीज़ें पाई जाती हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करें। ईगो हमेशा हमें आराम की तरफ लेकर जाता है, इसे ज़्यादा तनाव में रहना नहीं पसंद है और ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ये कि अपने बिस्तर को छोड़कर उठे और काम पर जाए। दूसरी तरफ सुपर ईगो हमारे अंदर की वो भावना है जो वो हमें काम करने पर मजबूर करती है जो ज़रूर या सही है,
घर की सफाई करना भले ही आपको ना पसंद हो, लेकिन आप फिर भी घर साफ करेंगे क्योंकि वो काम ज़रूरी है। ईगो हमें हमारी ज़रूरतों के बारे में बताता है, जबकि सुपर ईगो दुनिया की ज़रूरतों के बारे में। जिसका सुपर ईगो उसके ईगो पर हावी होता है वो एक अच्छा इंसान कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई आपको उस गलती के लिए डांट रहा है जो आपने नहीं की, अगर आपका सुपर ईगो हावी है तो आप उसे विनम्रता से बात करके उसे समझाने की कोशिश करेंगे। रोज़ सुबह उठकर काम पर जाना किसी को भी नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी वो काम पर जाते हैं क्योंकि उनका सुपर ईगो उनके ईगो से जीत जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इज, आप भीड़ के साथ रहकर अपनी किस्मत पर जीत हासिल नहीं कर सकते। निट्स जे अपने सुपरमैन के कॉन्सेप्ट की वजह से जाने जाते हैं। सुपरमैन वे होते हैं जो सपनों की दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकत को अपनाते हैं। आज ज़्यादातर लोग एक ही तरह का काम कर रहे हैं, वे रोज़ अपने घर से काम पर भागते हैं और तनाव में जीते हैं। अगर आप भीड़ में रहेंगे तो आप भी समय के साथ ऐसे ही हो जाएंगे। हम सभी लोग अक्सर ही तनाव से परेशान होकर अपने ख्यालों में उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। उदाहरण के लिए उस आदमी को ही ले लीजिए जिसे पैसों की ज़रूरत है। वो अपनी आंखों के सामने रखी हुई चीज़ के बारे में ना सोचकर ये सोच रहा है कि जिस दिन वो करोड़पति बनेगा उस दिन दुनिया घूमेगा। भीड़ में रहने वाले लोग अक्सर ही ऐसे ख्वाब देखते हैं। अगर आप सुपरमैन बनना चाहते हैं तो आपको अपनी असली हालातों को अपनाना होगा, भले ही वे आपको अच्छे लगें या ना लगें। ख्यालों में रहने वाले लोग कमज़ोर होते हैं, वे अपने असली हालातों को गले नहीं लगा पाते, इसलिए वे एक ऐसी दुनिया में खोए रहते हैं जो कि है ही नहीं। सुपरमैन वर्तमान में रहकर हर एक पल का आनंद लेते हैं और इसी तरह से वे अपनी किस्मत के मालिक बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, पैसों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दीजिए। आप अगर नौकरी को किस तरह से देखते हैं, क्या आप सारा दिन काम करने के बाद भी गरीबी में जी रहे हैं? लोगों को लगता है कि वो नौकरी से आराम कमा सकते हैं, इसलिए वे हर रोज़ अपने आराम को छोड़कर काम करने जाते हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि वे जीने के लिए काम कर रहे हैं या काम करने के लिए जी रहे हैं। तो फिर नौकरी का मतलब क्या होता है? नौकरी का सीधा सा मतलब होता है अपने काम के बदले में पैसे लेना। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने नौकरी को एक अलग नज़र से देखने की कोशिश की। उनकी माने तो एक मजदूर हमेशा गरीब इसलिए रहता है क्योंकि वह पैसों की गुलामी करता है और एक गुलाम का गरीब होना आम बात है। दूसरी तरफ एक एम्पीरियर ऐसे गुलामों का मालिक होता है और मालिक का अमीर होना भी एक आम बात है। गरीब मजदूर हमेशा अमीरों के बनाए हुए ढांचे में काम करके उनको अमीर बनाते रहते हैं, क्योंकि अमीरों का काम पहले से ही कोई और कर रहा है, इसलिए वे कम काम कर रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने दुनिया भर के मजदूरों को ये समझाने की कोशिश की और उन्हें अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए उकसाया। आप अगर इन सभी बातों को अपने आप से जोड़ें तो आप पाएंगे कि आपके पास खोने के लिए सिर्फ आपकी बेड़ियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, अमीर बनने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत और कम आराम करना होगा। कार्ल मार्क्स ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने लोगों को अमीरी या गरीबी के बारे में बताया। उनके बाद मैक्स वेबर नाम के एक समाजवादी ने लोगों को अमीर बनने का एक दूसरा रास्ता बताया। वेबर की माने तो ज़्यादा मेहनत और कम खर्च करना अच्छी बात है जो हमें भगवान के करीब लेकर आती है। भगवान के करीब आ जाने की वजह से संपत्ति भी हमारे पास आ जाती है। दूसरी तरफ ज़्यादा पैसा खर्च करना अच्छी आदत नहीं है क्योंकि वो हमें भगवान से दूर ले जाता है, जिससे संपत्ति भी हमसे दूर चली जाती है। वेबर के हिसाब से अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी और कम से कम आराम करना होगा। अपनी ज़रूरतों को कुर्बान करके आप अमीर बन सकते हैं। एक सरल और सीधी ज़िंदगी हमें अमीर बनने के रास्ते पर लेकर जाएगी। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीब थे, लेकिन उन्होंने ऊपर तक अपना रास्ता तय किया। वे ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने एक सरल ज़िंदगी को अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट इज, महिलाओं और पुरुषों के बीच के अंतर को ख़त्म करके हम समाज में शांति ला सकते हैं। हमारे समाज की यह भावना शुरुआत से रही है कि महिलाओं और पुरुषों को अलग नज़र से देखा जाता है। ऐसा माना जाता रहा है कि पुरुष ताकत पर होते हैं और उनमें भावनाएं बहुत कम या नहीं होती हैं। दूसरी तरफ ये बात माना जा रहा है कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं और उनमें बहुत सारी भावनाएं होती हैं। समाज की यही आदत आज एक समस्या बन गई है। अक्सर ही आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, या फिर आपने सुना होगा कि लड़के रोते नहीं हैं। फ्रांस की महिलाओं ने एक समस्या से निपटने के लिए लोगों को सलाह दी कि वे इस भेदभाव को ख़त्म करें। लड़के और लड़कियां एक जैसे ही होते हैं, उनके शरीर में अंतर हो सकता है लेकिन अंदर से उनमें कोई अंतर नहीं होता। अपने समाज को एक नया रूप देने के लिए आप भूल जाइए कि लड़के और लड़कियां या महिला और पुरुष नाम के कोई शब्द होते हैं। आप सिर्फ लोगों को इंसान के नाम से जानिए और ये सोचिए कि सब एक ही भगवान के बनाए हुए हैं।
भेदभाव करना हमारी फितरत में है, भगवान की नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज, अपने दुख से आजादी पाने के लिए आप ध्यान का सहारा लीजिए। ध्यान का मतलब होता है अपने मन को इधर उधर की बातों में ना उलझाकर उस चीज पर फोकस करना जो इस समय आपके सामने है। ध्यान का मतलब है हमेशा प्रेजेंट में रहना और बीती बातों को छोड़कर आगे बढ़ना। बौद्ध धर्म के हिसाब से ध्यान की मदद से आप अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उसे हमेशा होश में और काबू में रख सकते हैं। कुछ लोग खुशी पाने के लिए उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उनके पास है ही नहीं, लेकिन बौद्ध धर्म में हम सिर्फ उस चीज़ पर ध्यान लगाते हैं जो हमारे पास है। हमारा सोचना ही हमारे दुखी होने का कारण है। हम अपने मन को उन चीज़ों या लोगों पर लगाते हैं जो हमें प्यार है या हमारे पास नहीं है। यही वही ख्वाहिशें हैं हमारे लिए जो दुख लाती हैं और हमें इन चीज़ों पर ध्यान नहीं लगाने देती जो इस समय हमें खुशी दे सकती हैं। आप अपने आप को उस पर पूरी तरह से डुबो लीजिए। हर एक सांस के साथ अपनी धड़कन को महसूस कीजिए। अपने सामने रखी हुई चीज़ों को देखिए और उनके रंग ढंग में खो जाइए। ऐसा करने पर आप अपने मन को भटकने से रोककर सुकून पा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, हम सभी इस दुनिया की यादों का एक हिस्सा हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सपने क्यों और कहां से आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सो जाने के बाद आपके साथ क्या होता है? एक आदमी एक दिन में 6 घंटे सोता है। इस हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी का एक चौथाई भाग सोने में ही बिता देते हैं। कार्ल जंग नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने सपने पर स्टडी की। वे सिगमंड फ्राइड के राइवल थे। आइए देखें कि उनका नींद और सपनों के बारे में क्या कहना है। कार्ल जंग के हिसाब से जब हम सोते हैं तो हमारे साथ साथ सारी दुनिया सोती है। उनका मानना है कि हम नींद में होश में नहीं होते और हमारे साथ ही ये दुनिया भी बेहोश होती है। जब हम सपना देखते हैं तो हम सभी इस बेहोश दुनिया का एक हिस्सा होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हमारे सपने देखने पर ये सारी दुनिया सपने देखती है और इस समय हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस हिसाब से जब हम सोते हैं तो हम एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा होते हैं और दुनिया की यादों और सपनों से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार सपने हमें इस दुनिया से जोड़ने का काम करते हैं। दोस्तों, अगर मैं इस बुक का आपको कंक्लूजन बताऊं तो फिलॉसफी की मदद से हम अपनी ज़िंदगी के फैसले को सोच समझ कर लेते हैं। इससे हम अपने आप से छोटे बड़े सवाल पूछते हैं और उनका जवाब पाने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर के फिलॉसफर्स ने हमें अपने आसपास की चीज़ों को समझने और उन पर सवाल करने के लिए नए नए तरीके बताए, जिनकी मदद से हम अपनी ज़िंदगी से जुड़ी सभी चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आप बताइएगा आपको ये बुक की समरी कैसी लगी, और ऐसी और मोटिवेशनल बुक की समरी सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीक।